फिलीपींस के इस बच्चे को देख पहली नजर में कोई भी चौंक जाता है। इसका एक हाथ किसी नौजवान के मस्कुलर बाजुओं की तरह है। यह आपको प्रसिद्ध कार्टून किरदार पोपाय द सेलर की याद दिलाता है। 11 वर्षीय डेनियल साल्वेम भी खुद को पोपाय ही बताता है। दरअसल इस बच्चे को किसी प्रकार की बीमारी है जिसकी वजह से इसके एक हाथ में सूजन हो गया है। हालांकि डॉक्टर इस बीमारी की पहचान नहीं कर सके हैं। सूजे हुए बाजू की वजह से डेनियल के दोस्त उसे चिढ़ाते हैं, लेकिन डेनियल इसे अपनी खामी नहीं मानता। वह अपने इस हाथ की तुलना पोपाय से करता है। पोपाय एक प्रसिद्ध कार्टून किरदार है जिसके बाजू पतले दुबले रहते हैं, लेकिन पालक खाते ही उसके बाजू फूल जाते हैं। इस बाबत बच्चे का कहना है, मेरा नाम डेनियल है और मेरे दोस्त मुझे पोपाय बुलाते हैं। मेरे मसल्स विशाल हैं। हालांकि कुछ बच्चे डेनियल के इस रूप का मजाक भी बनाते हैं, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेनियल बड़ा होकर बॉडी बिल्डर बनना चाहता है, साथ ही उसकी मार्शल आर्ट सीखने की इच्छा है।